आज डेट है 21 नवंबर और आज है संडे और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ शाम 7 बजे से। और वो क्यों कर रहा हूँ वो आप देखो आगे वीडियो में। सो गाइस, आज हमारे घर पे एक नया मेहमान आया है, उस नए मेहमान से आपको मिलाता हूँ। और ये इसका बेबी है। हेलो हेलो, इसका नाम क्या रखना है अभी तक सोचा नहीं है। वाह यार, कितना इनोसेंट लग रहा है देखना। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ सुबह के 8 बजे से। गाइस, अगर आप मेरे रेगुलरली व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं पार्शियली वैक्सीनेटेड हो चुका हूँ। मैंने एक डोज लगवा ली थी, आज सेकेंड डोज की डेट ड्यू हो गई है, 3-4 दिनों से हो गई है। तो आज हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने, तो अभी कॉल करके पता किया कि उधर लग रही है तो अभी वहीं जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। हम बसंतपुर में पहुंच चुके हैं और वो है सामने डिस्पेंसरी। और इस बार तो नहीं लग रहा डर रिएक्शन का? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी चलते हैं वैक्सीन लगवाने। गैस, पिछली बार तो मुझे कोई ऐसी रिएक्शन नहीं हुई थी कि बुखार या सिर दर्द, इस बार देखते हैं क्या होता है। सबको लग रहा होगा कि रावी का पानी सूख गया, लेकिन ये सूखा नहीं है, वो नीचे बांध का काम लगा इसलिए पानी को उस साइड पलटा गया। वो देखिए आप, वाह, यहाँ से तो बर्फ भी दिख रही है पहाड़ों में। सो गाइस, मुझे तो वैक्सीन लग गई लेकिन मम्मा को नहीं लगी। क्योंकि वही बताएंगे क्यों नहीं लगी। गाइस, अभी घर पहुंच चुका हूँ मैं और अभी वैक्सीन लगवाए हुए कम से कम 15-20 मिनट हो गए और अभी तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, पहले की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मा को क्यों नहीं लगी वो मम्मा बताएंगे, क्यों नहीं लगी आपको? अभी बाद में लगनी है मेरे को। क्यों? अभी कुछ दिन काम थे। देखो, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई लेकिन हाथ बारी बारी हो गया है, बाजू पूरी बारी बारी लग रही है। का इस दुनिया में दूसरा दिन है और देखिए माँ बच्चे का प्यार। ओए हेलो हेलो तो कर दे सबको, बहुत ही शरीफ है ये, हेलो कर दे हेलो। वैक्सीन लगवाए हुए 4 घंटे हो गए लगभग और अभी तक भी मेरे को कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ बाजू ही बारी बारी लग रही है। कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर फर्स्ट वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार या फिर सिर दर्द वगैरह ना हो तो सेकंड के बाद होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसको देखिए, सोया रहता है दिन रात और इस खेत में। क्या तेरे को? हेलो। तो भाई, आप लोग DM करते रहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे कि भाई डेली व्लॉगिंग किया करो या फिर फैमिली व्लॉग्स बनाया करो, तो यार जितने मेरे से बनते हैं मैं वो तो बनाता ही हूँ। बाकी आप में से ज़्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि मेरा अभी कॉलेज लग चुका है, सो मुझे रोज़ कॉलेज आना पड़ता है। पहले तो कोविड के कारण यार घर पे ही थे, तो मतलब जब मन किया तब व्लॉग शूट कर लेता था, लेकिन अब ज़्यादा कॉलेज में से छुट्टियाँ भी नहीं मार सकता। सो जब जब भी मुझे मौका मिलता है व्लॉगिंग करने का तो मैं जरूर करता हूँ। और गाइस, डेली व्लॉग्स में आपको फिर वहीं देखने को मिलेगा, घर से तैयार हो के कॉलेज, कॉलेज में थोड़ा बहुत मस्ती दोस्तों के साथ और उसके बाद आके लखनपुर के बल्ले। अगर देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, दिखा दूंगा लखनपुर के बल्ले भी आपको डिटेल में। सो और बाकी अगर यार आप समझ सकते हो, जब जब कोई भी हॉलीडे वगैरह होगी तो हम ट्रैवल व्लॉग्स भी जरूर करेंगे। एडवेंचर तो करने का सोचा है मैंने, अभी देखते हैं कहीं ना कहीं तो जाएंगे घूमने। सोच रहा हूँ कि अभी इसके बाल बड़े बड़े थे, अभी मैंने कटिंग करवा ली। सो गाइस, ये व्लॉग मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ। वैक्सीन मुझे पिछले दिन लगी थी, अभी अगला दिन है और मैंने आज कटिंग वगैरह करवा ली है। मैं कोशिश करता रहता हूँ डेली की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लेने की, क्योंकि इसी से प्रैक्टिस होगी डेली व्लॉगिंग करने की। सो जल्द से जल्द आपको डेली व्लॉगिंग भी देखने को मिलेगी अगर सब ठीक चला तो। वैसे यार व्यूज़ थोड़े डाउन आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो उम्मीद तो जारी है।
तो आपका भाई व्लॉग्स बनाते रहेगा, कभी हार नहीं माननी है, ये तो सोचा ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर में टाइल फ्लोरिंग का काम लगा हुआ है, तो इसलिए ये डोर्स खोल दिए कमरों की, क्योंकि इसको खोलना पड़ता है जब भी फ्लोरिंग करनी हो, मार्बल या फिर टाइल लगवानी हो, तो इसीलिए ये भी खोल रहे हैं। और बाकी भी सामान बाहर निकाल रहे हैं, सो अभी सारा सामान इधर उधर बिक रहा है। अभी 8 से 9 दिन लग जाएंगे काम कंप्लीट होने में। उसके बाद भाई कुछ भाई कमेंट करते हैं कि होम दूर करवाओ, और कुछ भाई करते हैं कि DM भी करते हैं कि होम डोर करवाओ। तो उसके बाद जब थोड़ा अंदर सामान वगैरह एडजस्ट कर लेंगे हम, तो उसके बाद होप आपको एक होम टूर भी देखने को मिलेगा। इधर अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने स्वेटर वगैरह भी वेयर किया है। सो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना आपको कौन से व्लॉग्स देखना पसंद करते हो, और मुझे थोड़े व्लॉगिंग के आइडियाज भी दिया करो। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। और बाकी यार सेकंड वैक्सीन से मुझे तो खासा कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मुझे सिर्फ मेरी बाजू बारी बारी हुई थी, या फिर उसके दूसरे दिन थोड़ी सिर दर्द वगैरह बिल्कुल छोटी, मुझे लगा ज्यादा हो जाएगी लेकिन हुई नहीं। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टाटा बाय बाय।